दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके दोस्त तन्मय सरकार, तन्मय श्रीराम। यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। मैं अभी होम क्वारंटाइन में हूं, थोड़ा बाहर गया था इसलिए मुझे अलग रहना पड़ रहा है। आप लोग भी दोस्तों घर में रहिए, स्वस्थ रहिए। दोस्तों मैं आज आप लोगों के साथ बात करेंगे एचडी कार्ड में पैच कैसे सेव करते हैं और एचडी कार्ड से पैड में कैसे पैड बैकअप को लोड किया जाता है। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिए, नए जो ऑक्टोपैड प्लेयर दोस्तों है उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। और मेरा वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो की ओर। दोस्तों मैं एचडी कार्ड में पैच को सेव करने के लिए मुझे प्लस माइनस की मदद से पहले जो पैच मुझे सेट करना है, सेव करना है, उसको सिलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए मैं इसको सेव कर लिया, उसके बाद मैं एडिट ऑप्शन को प्रेस करूंगा, उसके बाद सिस्टम ऑप्शन जो है उसको प्रेस करूंगा। आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि सेव ऑप्शन ब्लिंक कर रहा है और ऊपर एसडी कार्ड शो कर रहा है, तो मेरा एसडी कार्ड में मैं घुस गया। उसके बाद मुझे ऑल एंटर जो ब्लिंक कर रहा है वो प्रेस कर देना है, तब मुझे शो करेगा कि आप किस नाम पे ये पैच सेव कर सकते हैं। प्लस माइनस की मदद से आप अक्षर को चेंज कर सकते हैं और अप डाउन से आप एक लाइन से दूसरी लाइन में जा सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने मनपसंद कोई नाम लिख के पैच को सेव कर सकते हैं। आप कर लीजिए, लिखने के बाद आप फिर दोबारा ऑल एंटर को प्रेस कर दीजिए। उसके बाद आपको शो करेगा कि एसडी कार्ड में कितने नंबर में आप ये पैच सेव करना चाहते हैं। तो देखिए प्लस माइनस की मदद से आप वो नंबर आप चूज़ कर सकते हैं कितने नंबर में एसडी कार्ड में आप सेव करना चाहते हैं। तो मेरा सारे एसडी कार्ड फुल है तो मैं एक नंबर में आपको दिखाने के लिए सेव करूंगा ओवरराइट करके। तो मैं एक नंबर को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद मैं ऑल एंटर को प्रेस करूंगा। देखिए यहाँ पे ओवरराइट करना चाहते हैं कि नहीं, येस और नो, मैं येस करूंगा। प्लस से येस करके फिर ऑल एंटर को मैं प्रेस कर दूंगा। तो ये हो गया पैच एसडी कार्ड में सेव, देख लीजिए दोस्तों। अभी हमें एसडी कार्ड से पैड में पैच को सेव करना सीखना है, तो मुझे पहले प्लस माइनस की मदद से जिस नंबर पे मैं पैच को सेव करना चाहता हूँ उस नंबर को मैं सिलेक्ट कर लिया, फिर एडिट ऑप्शन प्रेस किया, उसके बाद सिस्टम ऑप्शन प्रेस किया। देखिए एसडी कार्ड में हम पहुंच गए, सेव ऑप्शन दिखा रहा है। प्लस की मदद से हमें क्या करना है, लोड ऑप्शन में जाना है। ध्यान रखिए लोड ऑप्शन में जाके ऑल एंटर को प्रेस कर देना है। तो हमें यहाँ पे जो मेमोरी कार्ड में जो हमारा पैच है वो हमारे को शो करेगा। जो पैच आपको मेमोरी कार्ड से पैड में सेव करना है उसको लेके आइए। मैं एक नंबर जो सेव किया था उसको ही मैं दोबारा पैड में सेव करूंगा। उसके लिए मैं पहले ऑल एंटर को प्रेस कर दिया। देखिए यहाँ पे सिलेक्ट बैकअप श्योर दिखा रहा है, तो मैं यहाँ से यस नो कर सकते हैं। यस मैं कर दूंगा, यस करके मैं ऑल एंटर प्रेस कर दूंगा। तो मेरा एसडी कार्ड से पैच पैड में मैं सेव कर लिया। ये रहा टोटल प्रोसेस, आप लोग ज़रूर कीजिए, बहुत अच्छा है।